मुरैना जिले के सांक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर दो आरपीएफ जवानों की मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों ड्यूटी पर थे और ट्रेन की सेटिंग चेक कर रहे थे। घटना मंगलवार रात करीब 8:30 बजे की है। घटना के चश्मदीदों और जांच में सामने आया कि दो ट्रेनों के आमने सामने एक साथ आ जाने से आरपीएफ जवान हादसे का शिकार हुए। सामने से आ रही ट्रेन की हेडलाइट उन पर पड़ी, तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधी आ गई। इतने में दिल्ली से चेन्नई जाने वाली ट्रेन 12270 दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में जवान आ गए। सामने आ रही ट्रेन की वजह से वे पीछे से आ रही ट्रेन की ओर ध्यान नहीं दे पाए। मारे गए हेड कांस्टेबल के नाम अशोक कुमार भाटिया और नवराज सिंह है। दोनों यूपी के रहने वाले थे। हादसे को लेकर एक अन्य बात भी सामने आई है कि पैसेंजर ट्रेन का चेक करने के बाद जब दोनों जवान ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो पीछे से आ रही दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में जवान अशोक भाटिया की राइफल फंस गई, जिसके चलते वे ट्रेन के साथ 100 मीटर तक घसीटते हुए चले गए। घटना के बाद उनकी राइफल ट्रेन के इंजन में ही फंसी मिली। अशोक कुमार भाटिया जालौन के रहने वाले थे। भतीजे कुलदीप सिंह भाटिया ने बताया कि चाचा की नौकरी को 5 साल ही बचे थे। वे मुंबई आरपीएफ में भी पदस्थ रहे। वहां से झांसी और धौलपुर में उनकी पोस्टिंग हुई। 2 महीने पहले ही मुरैना में पोस्टिंग हुई थी। रिटायरमेंट करीब आने पर खुश थे। कहते थे, बहुत नौकरी कर चुका, अब परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। अब अपने बेटे और नातियों के साथ रहूंगा। हादसे के शिकार दूसरे हेड कांस्टेबल नवराज सिंह मेरठ के सामली गांव के रहने वाले थे। उनके साथियों ने बताया कि वे हमेशा यही कहा करते थे कि परिवार से दूर रहने का उन्हें हमेशा मलाल रहता है। उनका गांव में भरा पूरा परिवार है, गांव की याद आती रहती है। अशोक कुमार और नवराज साथ ही रहते हैं, दोनों में खूब पटती भी थी। ट्रेन की जो चेकिंग होती है वो कर रहे थे, एक ट्रेन इधर से आ रही थी, एक ट्रेन उधर से जा रही थी। अब ये सेंटिंग चेक करते हुए जा रहे थे, पीछे से शायद उन्होंने हॉर्न नहीं सुन पाया, क्या नहीं सुन पाया। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।